तो भाई लोग फिर से आ गए मैं एक और बेहतरीन सी आर्क सर्वाइवल की गेम प्ले वीडियो में। और यार पिछले हफ्ते वीडियो नहीं आई थी तब यार काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ सी हो गई थी तुम्हारे भाई की ज़िंदगी में। अब यार देखो हर चीज़ ऐसे बताई तो जाती है लेकिन समझ जाओ यार हो जाता है कई बार काफ़ी कुछ गलत सीन, तो इसीलिए ना तो हफ्ते के बीच वाली वीडियो आ पाई थी अभी पीछे कुछ टाइम से। और सैटरडे को तो गई थी मैंने इससे पिछले वाले सैटरडे, लेकिन जो लास्ट सैटरडे गया है उस पर वीडियो नहीं आ पाई थी, इस वेडनेसडे को भी नहीं आ पाई। तो अभी कुछ दिन तक तो भाई हफ्ते की एक ही चलेगी, उसके बाद में रिज्यूम होंगी हफ्ते की दो। खैर जब होंगी जबकि जब देखी जाएगी, अभी हफ्ते की एक से ही चलाने आया। यार थोड़ा सा सब्सक्राइब सब्सक्राइब भी करके रखा करो ठीक है। खैर आज भाई तुम्हारा भाई लाया है तुम्हारे लिए तुम्हारा जो फेवरेट गेम है आर्क सर्वाइवल वो, क्योंकि भाई तुम्हारा ठीक ठाक रिस्पॉन्स आ जाता है इस पर। तो अभी हम आर्क सर्वाइवल खेलने वाले हैं। और तो भाई अगर तुम्हें आज की वाली वीडियो बढ़िया लगे तो यार देखो कर दियो थोड़ा सा ठीक है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दियो और बाकी शेयर जो कर दियो यार अगर तुम्हें बढ़िया लगे मज़ा आए तो, जिससे कि अगर भाई आर्क सर्वाइवल की वीडियो आए बढ़िया बढ़िया सी एकदम मज़ेदार। तो वीडियो शुरू करते हैं। और पिछली बार जैसे तुम्हारा भाई नूबड़ो की तरह खेला था ना, भाई इस बार ऐसा नहीं होने वाला, इस बार बिल्कुल ही अलग चीज़ है ठीक है। तुम्हारे भाई ने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस प्रैक्टिस करी है, थोड़ा बहुत इसका सिस्टम से भी कंपेटिबिलिटी बिठाने की कोशिश करी है, लेकिन उसमें थोड़े से इशूज़ हैं। तो क्या है अभी इस वाली वीडियो में तो तुम्हें थोड़ी सी गड़बड़ देखने को मिलेगी। हाँ मैंने पिछली वाली वीडियो में भी ऐसे ही कहा था सर्वाइवल की में कि गड़बड़ देखने को मिलेगी, लेकिन पिछली बार से थोड़ा ठीक है, ग्राफिक क्वालिटी इंप्रूवड है, लेकिन फ्रेम ड्रॉप्स इसमें मिलेंगे तुम्हें देखने को। अगली वीडियो तक मैं भाई पूरी कोशिश करूँगा कि भाई उस चीज़ को फिक्स कर दूँ। खैर ये भाई जो तुम सामने देख रहे हो ना रूबिक्स क्यूब जैसा, ये तुम्हारे भाई का घर है नया घर। हाँ जो पूछे हाँ जो पीछे वाले गए थे उनमें से कोई सा नहीं है ये भाई। उसके बाद में दो तीन घर बनाए लेकिन उनका बस ऐसा फ्लोर फ्लोर बेस ही बेस बन पाया। और अभी भाई ये एक प्रॉपर घर है जिसे हम भाई घर कह सकते हैं। ये भाई कैरेक्टर है अपना, इससे हाथ से भाई ये तवासा आ गया और कपड़े भी इसके बदल गए भाई, क्योंकि ये एक तरह से सप्लाई ड्रॉप सी आई थी यहाँ पे वो लुटी तुम्हारे भाई ने। भाई क्या था पहले मैं ना अपना घर खो दिया था, मुझे पता नहीं लगता था मेरा घर कहाँ है। तो भाई इस वाले घर के टॉप पे एकदम अभी ऐसा दिन में तो नहीं दिख रही लेकिन रात के टाइम पे भाई एक मशाल जलती हुई दिखेगी। इससे क्या है जैसे अभी दिन में तो इतना पता ही लग रहा, लेकिन जैसे रात को अगर हम भाई कहीं दूर निकल के लकड़ी वकड़ी काटते हो कुछ पता लगता है, दिखता कुछ है नहीं आसपास क्या है कैसे है, तो हमें क्या अपने घर की पहचान के लिए मशाल दी जाएगी ऊपर टॉप पे। तो हम भाई भागते भागते इस मशाल का पीछा करते करते आ जाएंगे। जैसे ही हम आसपास होंगे तो हमें जो नीचे मशाले गेट के पास है एकदम गेट के बिल्कुल साइड में ये मशाल है, यहाँ पे ये साइड में गेट है। तो भाई यहाँ पे हमें पता लग गया गेट यहाँ पर एकदम अंधेरे में रात में भी हम जा सकें। वो क्या जब रात बात होगी जब तुम्हें दिखाऊंगा। और ये जो नीचे वाला फ्लोर है काफ़ी ज़्यादा ऐसा बिचा बिचा सा दबा दबा सा है, क्योंकि ये एक छोटी वाली वॉल है, इसमें दो तरह की वॉल होती है, एक तो लंबी वाली ऊंची वाली एक छोटी वाली। तो अभी छोटी वाली वॉल लगा रखी है इस पर। ये है भाई अपना पर्सनल सोने का कमरा। भाई आवाज़ भी थोड़ा सा तुम्हें गड़बड़ सी देखने को मिलेगी क्योंकि गला भी ख़राब हो रखा था मेरा, अभी भी थोड़ी सी समस्या तो है ही। खैर लेकिन कोई नहीं एडजस्ट कर लो चलता है इतना है ना। इसमें मतलब सोना वो गोल्ड नहीं है लेकिन स्लीपिंग रूम है ये बेडरूम। और इसके अंदर है भाई अपना स्टोर रूम, यहाँ पे अपना जो भी सामान वामान रहेगा जो भी हम सामान इकट्ठा करते हैं वो यहीं पे स्टोर कर देते हैं। अभी देखना भाई कुछ काम का हो तो जो काम की चीज़ हो भाई वो यहाँ से उठा कर ले जाएं अपने जब हंटर वगैरह पे जाते हैं, और नहीं तो भाई स्टोर कर दें यहाँ सारी चीज़। तो ऐसा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा जो मुझे ले जाना चाहिए अपने साथ। ये भाई अपना ऊपर वाला फ्लोर, यहाँ पर अभी कुछ खास तो नहीं है, मुझे कुछ पता भी नहीं मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैंने कुछ प्लान नहीं कराया सच। लेकिन हाँ यहाँ पे बस ये दवाई ववाई कूटने का है, इससे हम काफ़ी सारी चीज़ बना सकते। तो मतलब जैसे वैद्य के पास नहीं होता था पहले एक घोटना सा, उसने भाई जड़ी बूटी वगैरह घोटते थे वैद्य लोग, तो ऐसी है कुछ। और ये भाई गेट खुलता है बाहर, ये बालकनी सी है पीछे जैसे अपने उसमें रेंच वाले घर में था ऐसे ही भाई थोड़ा सा यहाँ पे सीन है, यहाँ से पीछे का पूरा सीन दिखता है भाई आराम से। भाई यहाँ से शिकार विकार भी करा जा सकता है किसी का, अगर भाई किसी पे रेंज अटैक करना हो किसी जानवर। इससे अंदर चले हम तो ये आ गया भाई सामने वाला इलाका। यहाँ पे अभी ये एक ही क्रॉप प्लॉट है, इसमें क्या है भाई ये क्रॉप प्लॉट होते हैं छोटे छोटे, ऐसे ऐसे यहाँ पे सारे में लगा देंगे। यहाँ पे रख देंगे एक पानी का रिजर्वर और ये वाटर सप्लाई आ रही है, ये भाई पत्थर के सारे पाइप हैं वहाँ सामने जो नदी बह रही है उससे वाटर सप्लाई लाने के लिए। फिर कुछ टाइम में भाई यहाँ पे पूरी वाटर सप्लाई वगैरह जोड़ के कनेक्ट करके एक साथ में और यहाँ खेती बाड़ी करेंगे तो सही रह जाएगा। अभी हमें क्या है भाई जंगलों में जाना पड़ता है जब भी हमें खाने की जरूरत पड़ती है, फिर क्या है हम अपनी भैंस खुद उगा पाएंगे।
और ये भाई है सबसे टॉप का फ्लोर। ये देखो भाई काफी ऊंचा बड़ा सा है ये, इसलिए क्योंकि इस टाइम तक मेरे पास ये जो बड़ी वाली दीवार है ये तो भाई 3 मंजिल के बराबर होती है एक ही दीवार। ये अनलॉक हो गई थी, वहाँ तो भाई खाली खड़े खड़े होने की जगह होती है, बड़ा भिजसी के। लेकिन ये जो है ये काफ़ी सही है, यहाँ पे इसे आराम से डायनासोर वायनासोर सब रह सकते हैं, क्योंकि भाई इसमें हम डायनासोर को पालतू ही बना सकते हैं। और आज हम वही करने वाले हैं इस वीडियो में, उनके निकलने बढ़ने के लिए। भाई इतना बड़ा गेट है यार, देखो भाई खोल के दिखाता हूँ तुम्हें कितना बड़ा है। देखो ओ भैया कतई ऐसा लगा ऐसे पुराने घरों में नहीं होते तो भाई बड़े बड़े से लकड़ी के किवाड़ से भाई एकदम मतलब नेक्स्ट लेवल। और इसे खोल के भाई ये एक और छोटी सी बालकनी में निकल जाएँ हम बाहर। ये बालकनी भाई जो जहाँ पे हम क्रॉप उगाने वाले हैं उस जगह के ऊपर है, और यहाँ से हम नदी के पार या फिर नदी में शिकार कर सकते हैं। और भाई अगर इतने से ही मन नहीं भरा, मतलब ऐसा है कि चारों तरफ देख देख के शिकार करना है, 360 डिग्री व्यू चाहिए पूरे इलाके का, तो उसका भी सिस्टम है। उसके लिए सबसे पहले नीचे वाले फ्लोर पर आएंगे, जो मतलब इससे नीचे वाला फ्लोर है, और यहाँ पर इस जगह पर लग रही है भाई सीढ़ी। ये सीढ़ी जा भाई सीधी ऊपर उस जगह के भी टॉप पर, तो इस पर चढ़ के और ये पहुँच गया भाई एकदम रूफ टॉप पे। यहाँ से तो भाई पूरा सारा कुछ दिखता है आसपास का, तो मतलब कोई भी डायनासोर हो आसपास पास हमें शिकार विकार करना हो आराम से कर सकते हैं, उससे सेफ डिस्टेंस पे रह के। और यहाँ पे ये देखो भाई मशाल भी जल रही है, जो उनसे मैंने तुम्हें दिखाई थी कि भैया दूर से हमें रास्ता वास्ता दिखाने का काम आएगी। कोई फ़ायदा हो गया यहाँ पे सीढ़ी लगाने का कि अगर इस मशाल में लकड़ी जैसे लोड होती हैं इस मशाल को जलाने के लिए, तो इसमें लकड़ी वकड़ी अगर हमें डालनी हो तो भी आराम से डाल सकते हैं। खैर अभी चलते हैं उस काम पे जिस पे हम आए थे, मतलब अभी हम बनाए वाले हैं डायनासोर को अपना पालतू। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें तो ले ली हैं, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा खाना कम है, तो मैं पहले खाना कलेक्ट कर लेता हूँ। खाने के लिए भाई क्या है, जंगल में जाओ मस्त और बेरीज तोड़ो। ये थोड़ा शिकार भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कैसा डायनासोर टेम करने वाला हूँ। हो सकता है वेज हो, वेज हुआ तो सही है, काम चल जाएगा उसका आराम से इन बेरीज वगैरह से। और अगर भाई नॉन वेज हुआ तो उससे फिर किसी और जानवर का शिकार करा हुआ वो चाहिए। और भाई इलाका देखो जहाँ मैंने घर बना रखा है, यहाँ पे जिस टाइम मैंने घर बनाया था ना, अभी मैं काफ़ी दूर हूँ अपने घर से, और यहाँ पे थोड़ी बहुत तुम्हें घास पत्ती देखने को मिल जाएंगी, वो भी मैंने तोड़ दिया अब। तो क्या है भाई पूरा इलाका देखो भाई, जिस टाइम मैंने यहाँ घर बनाया था ना, आसपास भाई पेड़ ही पेड़, पत्थर पत्थर, झाड़ पत्ती उगे पड़े थे दुनिया भर के। और इस टाइम कुछ नहीं है, सब एकदम साफ हो गया, अपने घर में लग गया, बस थोड़े बहुत पत्थर पड़े हैं आसपास। और ये भी जब तक सलामत है जब तक हमें पत्थरों की जरूरत नहीं पड़ रही, जैसी पत्थरों की जरूरत पड़ेगी ना ये भी गायब हो जाएंगे। ये इसे टेम करता हूँ, भागो भागो भागो। ये छोटा सा दिख रहा है तुम्हें, लेकिन भाई ये बहुत खतरनाक है। ठीक है इस पर ये नार्कोटिक एरो लोड किया हमने, इससे क्या है जैसे लगेगा ना उसे तो बेहोश हो जाएगा वो जानवर। ओहो ये तो एक भी डह गया, लेवल क्या था वैसे इसका? ले भाई तू पहले नार्कोटिक्स खा, नशा कर। अरे यार इसमें नार्कोटिक्स निकल गया, इतने डकार तक नहीं मारी यार, हद है भाई। अब मैं इसे ठोक दूंगा। अब यार उसने मेरी नार्कोटिक्स निकल भी ली भाई, डकार तक नहीं ली, ये भी अपना एक घर था एक टाइम पे। तो भाई वहाँ क्या मैंने जंगल सारा काट दिया ना, तो इसलिए वहाँ पे जानवर भी नहीं है ज़्यादा, मतलब जानवर कह रहा डायनासोर। ठीक है भाई तो अभी मैं क्या है इससे वैसी फीड करा रहा हूँ, मतलब इसके पीछे घूम घूम के। ये भाई वायलेंस वाला जानवर नहीं है, ये शांति से ही टेम हो सकता है, तो इसे क्या है हम खाना खिलाएंगे इसके पीछे घूम घूम के, तो उससे ये हमारा पालतू बन जाएगा, मतलब हमारी बात सुन लेगा, चलेगा कि हाँ अच्छा बनता है ये। लेकिन इसे टेम करना काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, इतनी देर में मैं किसी और जानवर को टेम करके देखता हूँ। ठीक है भाई एक ये जानवर, ये काफ़ी बेहतरीन जानवर, और भाई इसका लेवल भी सही है 36 लेवल का है। लेकिन इसके क्या है सामने सींग जैसी चीज़ लगी है, तो इसे सामने से डैमेज नहीं होगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ भाई इसके पीछे से मारता हूँ भर कर, ये साथ के साथ ये भी टेम होता रहेगा। और इसके मुझे ओ नहीं 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 भाई नहीं 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 सॉरी सर सॉरी सर 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 सॉरी सर सर गलती होगी सर, बुरा मान गए आप तो। सर कहाँ गए, अरे अभी तो मारने पे उतारू हो रहे थे यार। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, इसके पिछवाड़ पे एक वो मारता हूँ भर कर। नहीं 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 सॉरी 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 मैं मार दूंगा, मैं भर दूंगा, मैं पास आ जा पास आ जा पास आ जा बेटा पास आ जा, नहीं इतना ही पास नहीं आना यार, अरे सॉरी गलती होगी ना, मैं दूर जा रहा हूँ भाई, भागो
ओ भागो भागो भागो। अरे यार इतना कम स्टेमिना भाई, 56 लेवल का है। इसे मार के देख, मतलब टेम करके देखता हूँ। भागो भागो भागो। सॉरी सर, सॉरी 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 सॉरी। इनको मारिए। अरे मेरे को, मुझे नहीं यार भाई, 3 मार के भागना पड़ेगा इसे। ये बहुत खतरनाक बंदा है, नासा वाला है, ये बहुत खतरनाक है। सर आप नासा में काम करते हो क्या? क्योंकि आप बहुत खतरनाक हो सर। सर नासा वाले बहुत खतरनाक है। वे कितने लेवल का है? ये तो पूरा हो रहा है भाई। भाई भाई भाई, भाई। इसमें आगे घुस जा भाई। भाई इसमें आगे बढ़ जा सर। सर अरे सर मेरे पीछे क्यों पड़े हो यार? मतलब हाँ मेरे पीछे पड़ना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब पड़ गया मेरे पीछे यार। लेकिन किसी वजह से भिड़ ले मेरे। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ भाई भाई, जो मैं सोचा था हो गया। इन वापस लड़ाई बाज गया। ये ले भाई पिछवाड़े पे ले। ओ सर सर सॉरी सॉरी सर सॉरी सर सर, आपने मुझे पानी में गिर दिया यार। मतलब मजाक चल रहा है क्या? अब मुझे गीला हो गया, मैं नहाना पड़ेगा। मतलब नहा तो लिया मैं, खैर भागना पड़ेगा बस अब सूखने के लिए। अभी दो दो क्यों पीछे पड़ गए भाई? तुम दोस्त थे क्या? अरे भाई तीर खत्म तीर खत्म तीर खत्म। ये मुझे चांदना सा पीला पीला क्या हो गया मुझे? ये रहा भाई 28 लेवल का जानवर। ऐसे टिंटो भाई चाहिए। ओ भाई ये तो झटके में टेम हो गया। इसका नाम रखते हैं भाई, क्या रखें? कुछ बेहतरीन सा नाम रखेंगे इसका। भाई क्या नाम रखना चाहिए यार अपने अगले डायनासोर का, तुम मुझे कमेंट से बताओ। इसका नाम तो मुझे रखना पड़ेगा ठीक है, क्योंकि ये लाइव स्ट्रीम चल रही, इतनी फास्ट सर्विस नहीं होती यहाँ पे। तो इसका नाम रखता हूँ भाई मैं, अगले वाले का नाम तुम बताओ कमेंट्स में ठीक है। भाई इसका नाम रखूँ मैं सुंदरी, ठीक है सुंदरी, ठीक है आज से इसका नाम सुंदरी है भाई। एक्सेप्ट। अगले वाले डायनासोर का क्या नाम रखना है भाई, वो तुम बताओगे मुझे कमेंट्स में। ओ इस सुंदरी के थोड़े मज़े लेते हैं, चढ़ सकते हैं उसे? बढ़िया। ओहो मजा आ रहे हैं भाई, 30% चलाते हैं सर। ओ हो हो हो, अरे भाई भाई भाई, मज़ेदार भाई। मारते कैसे हैं? ओ भाई सूंडी से भाई हम घास पत्ती खड़वा सकते हैं काफ़ी सारी। ओ हो मज़ेदार बेहतरीन, मतलब नेक्स्ट लेवल है भाई। खाने पीने की टेंशन ही खत्म, घास पत्ती ही उखाड़ देगा सूंडी, पेड़ भी उखाड़ दिया। ओ भैया मस्त, बड़ा वाला पेड़ उखड़वा के देखते हैं सूंडी से भाई। झटके में पाड़ दिया, वाह 28 लेवल का है अपना सुंदरी, तो सही है। ओ भाई कितना सारा सामान निकाल दिया है इसने जैसी देर में झटके में। ओ भाई बढ़िया है तो। ओ भाई सुंदरी को हम लेवल अप भी करा सकते हैं भाई, इसकी हम हेल्थ बढ़ा देते हैं, स्टेमिना बढ़ा देते हैं। सबसे ज़्यादा वेट उठाने की कैपेसिटी जरूरी है इसमें, या माइनिंग के लिए बढ़िया वैसे अपना सुंदरी भाई। सुंदरी सर वाई आर यू नॉट रनिंग? अभी तक तो भाग रहा था भाई ये बंदा, मतलब जो भी है। क्या यार डायनासोर का भी कुछ छटा बता सा लग रहा है, लेकिन भागा था अभी तक। अरे मुझे लग रहा है इसका वेट फुल हो गया भाई, इससे ज़्यादा वेट ही उठा ही सकता सुंदरी भाई अपना। अरे ये सीन है क्या भाई? मार के भागा, अब तो गया। अरे मार के भागा कैसा है? ऐसी जगह भाला घुसा दूंगा डॉक्टर को भी दिखा पाने का। आगे बात भाई, ऐसी जगह घुसला है इसके तो ये डॉक्टर को भी दिखा पावे। भाई पानी गहराई में खो गए गए। हाँ खो तो पानी गहराई में गया ठीक है, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं इस जो भी है डायनासोर के। सुंदरी के ऊपर ही छिड़ के जा सकता मैं, मुझे पैदल जाना पड़ेगा भाई। मेरा घर मुझे नहीं पता भाई कौन सी साइड है, पहाड़ के इस साइड है उस साइड में, पता नहीं कहाँ आ गया निकल कर। घर कहाँ है भाई? घर की याद आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा। मुझे अपने घर जाना है, मुझे जाना है भाई। कुछ नहीं है, कोहरा कोहरा दिख रहा है चारों भाई, पता नहीं कौन से जंगल में बड़ा जा रहा हूँ मैं। मुझे भी नहीं पता कि ये वाली नदी है या दूसरी कहीं और कोई नदी है, क्या है भाई कुछ नहीं पता मुझे कुछ नहीं भाई। ये मैप है जगह का, अगर तुम्हें इस मैप को देख कर कुछ भी समझ आ रहा ना भाई, कुछ भी समझ आ रहा हो तुम्हें, मुझे बता दो यार, मैं भी जानना चाहता हूँ क्या है यार भाई। कुछ नहीं पता लग रहा है इस मैप से, तो ये नहीं पता लग रहा मैं इससे मुँह कहाँ भाई, बहुत दूर निकल आया मैं शिकार करते करते, मुझे समझ नहीं आया मैं कहाँ जाऊँ। मैं बस आशा कर सकता हूँ कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, और अभी कोई। अरे सुंदरी सर बचाओ यार, कोई मार रहा है मुझे मतलब।
भाई अब आके दिखा। अब ये समझ नहीं आया कहाँ जाऊँ कैसे करूँ यार, ये मच्छी पीछे पड़ी हुई है मेरे, मच्छी में तेरा सिर फोड़ दूंगा। तो भाई यार अभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, वहाँ पे जाना कुछ करना मेरा सड़ गया भाई एकदम दिमाग में, घर भी खो गया यार, मुझे वो जगह भी नहीं मिल पा रही, मैं नहीं कर रहा हूँ कर पा रहा वहाँ पे कुछ। तो भाई देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना है, अभी मुझे बैटरी वापस से बनाना पड़ेगा, वो सामान मेरा सारे का सारा उसमें भाई, सारे हथियार हथियार हर चीज़ उसमें है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है इस टाइम बहुत ज़्यादा। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।